The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. <laughs> أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمَنْتُ بالله صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ناظرين برنامج فرنڈز آف आपका मेज़बान सैद सजाद बुखारी सब देखने वालों सुनने वालों को बड़ी मोहब्बत से बड़े एहतराम से अस्सलाम असलकुम व बरकातहू अर्ज़ करता है नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि उम्मा चैनल के ईवान में आप लोगों के लिए हमेशा खूबसूरत प्रोग्राम पेश किए जाते हैं और फिर रामत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी से लेकर आपके क़दमों में आपके नालैन पर मरमिटने वालों तक सरकार के उशाक सरकार की मोहब्बत सरकार की गुलामी अपने सीने में बसाने वाले जो हैं ऐसे लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके अहवाल उनकी ज़िंदगी और उनके मुतलक आपको आगाही पेश की जाती है और ये प्रोग्राम फ्रेंड्स ऑफ़ अल्लाह जो है ये तो अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो क़ुरान करीम की आयत करीमा का तर्जुमा है फ्रेंड्स ऑफ़ अल्लाह यानी अलिया अल्लाह और कुरान करीम की आयत मुकदसम मैंने भी आपको तलावत करके सुनाई है और मैं बात को मुख्तर रखना चाहता हूँ अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा ताकि जल्दी आप लोगों के लिए टेलीफोन लाइन्स भी ओपन की जाए और आज जिस हस्ती का हम ज़िक्र कर रहे हैं अलिया अल्लाह की जमात में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी आवर हस्ती और बारगाह इलाही में कुर्ब रखने वाले जो महबूब यजदानी भी हैं और गौसल आलम भी हैं मेरी मुराद जनाब मखदूम सैयद जहांगीर अशरफ समनानी रतल हैं, कि परसों अट्ठाईस मुहर्रम को उनके उर्स का दिन गुज़रा है और उम्मा चैनल ने उनकी बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए आज का खसूस प्रोग्राम आपके नाम पर तरतीब दिया है और आज अलहमदिल्ला और का जहां जिक्र होगा औलिया की जमात में से एक अल्लाह के वली जो हैं जनाब सैयद मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमत ला तप आपका ज़िक्र करेंगे आपकी बारगाह में हदियादत पेश करेंगे और आज मेरे साथ मखदूम साहब की बारगाह में हदियादत पेश करने के लिए मेरे मेहमान गिरामी तशरीफ फर्मा हैं मेरे पहले मेहमान जिनको आप हमेशा उमा चैनल की स्क्रीन पर सुनते रहते हैं देखते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहता हूँ कि जब बोलते हैं बोलने का अंदाज़ भी खूबसूरत है और दलील से बोलते हैं मेरी मुराद हैं जनाब हज़रतामा खुर्शीद आलम साबरी साहब की अलामा साहब से मुलाकात करते हैं अल्लाम वरहि वर्का वालेकाम वरह वाबे हैं आपकी बहुत शुक्रिया माशा माशा हजरत बहुत शुक्रिया आपका आपने टाइम निकाला तशरीफ़ लाए बहुत मेहरबानी आपकी नाजरीन मेरे आज के दूसरे मेहमान मखदूम साहब की खिदमत में हदिया अकीदत पेश करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं उनको भी आप उम्मा चैनल की सब स्क्रीन पर देखते रहते हैं सुनते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बड़ी मुदल्लल गुफ्तु गुफ फरमाते हैं मेरी मुराद है जनाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल क्यूम साहब सुबहानी वो मेरे साथ तश्रीफ फरमा है उनसे भी मुलाकात करते हैं

उम्मा चैनल के ईवान में मखदूम सिमना की बारगाह में हदीदत पेश करने के लिए बैठे हैं और अभी तीन तीन या चार चार मिनट की इब्तदाई गुफगु होगी उसके बाद इन लोगों के लिए टेलीफोन लाइंस ओपन की जाएंगी आप आज सवाल करें फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्तों के बारे में के बारे में और फिर बिलखसूस मखदम की रतल ग्रामी के हवाले से आप आज सवाल करें इन शह आपको जो भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब इनशा ताली पेश किया जाएगा अभी चलते हैं मेरे आज के पहले मेहमान जनाब हज़रत खुर्शीद आलम सावरी सब कबला के पास हजरत आप आज के टॉपिक के हवाले से चूँकि मखदूम साहब की खिदमत में हमदी अकीत पेश कर रहे हैं हमारे नाजरीन की खिदमत में इब्तदेशमी व्रबिलान वसलामी वही व औलाद ही वही वाजही व जमी मिल्ल ही, ही।, ही।, ही अजमाइन नहायती मुकरम मोहतरम काबिल सत तकरीम तज़ीम मुहतरमक़ाम जनाब साबजादा सैयद सज्जादारी मैं सबसे पहले तो आपका इंतहाई जाना तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी नकाबत नज़ामत में मखदूम जहांगीर मोहम्मद अशरफ समनानी रहमतल्ल याद में इस प्यारे प्रोग्राम में हाज़री की शादत मैसर हुई हाँ जैसा कि आपने अलहमदल बड़ी वजात के साथ इस पर तमहिदी गुफ्तु में इशाद फरमाया कि उम्र चैनल हसब मामूल जहाँ अलहदुल्ला अभी हमने हराम के सिलसिला में सैदुलशुहदा की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया तो इसी हराम के अंदर हजरत मखदूम सैद मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी रहमत ला भी चूँकि जैसे आपने इर्शाद फरमाया उनका उर्स मुबारक है तो आज उसी मुनासबत से ये प्रोग्राम चला ने तरतीब दिया ताकि आपकेदत मंदान भी दान भी, भी और वो लोग भी जो आपके साथ मोहब्बत और प्यार रखते हैं या जिनको आपकी ज़्यादसा के बारे में मालूम नहीं भी तो उनको भी पता चले भी और उम्मा चैनल हसब मामूल अपनी ड्यूटी पूरी करे कि उनको इस बात की मालूम मुयसरा कि अल्लाह पाक के नेक और अजीम लोग क्या होते हैं और उन पर कितना बड़ा अल्लाह तबारक वाले का फजल करम होता है सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रमतल ताली आल की तरह सैयद मखदूम मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी ताला अलैह को भी ये शर्फ हासिल है इन दोनों में एक कदर मुश्तरक ये है कि दोनों बुनियादी तौर पर एक बादशाहत के सिलसिले में मौजूद हैं तो उन्हें भी बलख की हकूमत मिली और इन्हें भी समनान कीकूमत मिली वा। और वालद माजिद के विशाल के बाद आ, समनान के तख्त सल्तनत पर ये बैठे मुतमक्किन हुए और तख्त सल्तनत पर बैठने के आ, बाद और साथ भी आपका औलिया से किराम से दीनी हल्कों से रबता मौजूद रहा उसकी वजह ये थी कि सुल्तान मोहम्मद अशरफ़ जहांगीर समनानी ताला को अल्लाह पाक ने कमाल दर्जे की जहाँ फ़रमाई थी और उसानत का ही ये नतीजा था कि आपने सात साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ़्ज किया सुबह और चौदह साल की उम्र में उलूम दीनिया में फरागत हासिल औरहरी की तकमील फरमाई फिर उसके बाद आप अलहमदिल्ला अपने ूमूम में मज़ीद आगे बढ़ते चले गए और जब आप मुकम्मल जवानी को पहुँचे तो आपको हुकूमत मिल गई वाले साहब की जगह पर आपको बिठाया गया हुकूमत जब आपको मिली तो वो जो हकूमत तक पहुँचने और इल्म हासिल करने के बाद जो आपने मनाजिल तय की थी दराजात रूहानिया की तकमील की थी रबल की बारगाह में आपने बातन का ताल्लुक जोड़ा था वो इतना मजबूत हो चुका था कि तख़्त सल्तनत पर बैठे अब साफ ज़रा तख्त सल्तनत पर बैठ कर बंदा फ़ारग तो नहीं रहता फिर एक जिम्मेदार शख्स भी हो फिर आलिम भी हो फिर वो समझता भी हो वो बसीरत वाला भी हो अल्लाह ने उसे बसीरत भी दी हो तो वो बंदा तो बिल्कुल ही फुल्ली कमिटेड हो गया ना तो आप उसमें अपनी जिम्मेदारी में मुसलसल मसरूफ हुए तो एक दिन हजरत खीजर आलाम खाम में तशरीफ लाए और उन्होंने आके फरमाया कि जहांगीर मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी तुम हुकूमत के मामला को और उमूर को बड़े आसान तरीके से चला रहे हो लेकिन कुछ वक्त उसके लिए भी निकाला करो जिसने तुम्हें हुकूमत दी है ताकि तुम्हारा दिल वकूफ की तरफ भी जाए ये जितनी है दुनिया है दीन इसमें कम है तो तुम दुनिया को थोड़ा कम रखो दीन की तरफ अपनी तवज्जो को बढ़ाओ तुम्हारा मकसद ये नहीं है वा, 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 तो आपने इस पर ये कैफ़ीत महसूस की और वो कैफ़ियत अभी आपकी कायम थी कि आपको हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रहमत ल्ल अलैह की ज्यारत हुई हजरत ख्वाजा अवैस करनी की जब जीारत हुई तो हजूर ख्वाजा अवैस करनी रहमत ल्ल अलैह ने आपको ख़्वाब में जिक्र बताया कि ये ज़िक्र करो और इस ज़िक्र से तुम्हारे मामला खुद ब खुद दुनिया से हट कर दिन की तरफ ज़्यादा हो जाएंगे आपने सात साल वो जिक्र किया और सात साल मुसल जिक्र भी करते रहे हकूमत के अमूर भी चलाते रहे फिर सात साल जब गुजर गए तो हजरत अलैहिस्सलाम दोबारा मिले और तीन साल मज़ीद तखीर के बाद दस साल के बाद जब दोबारा उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अशरफ जहांगीर समनानी हमने तुम्हें कहा था वकूफ़ करो तुम्हारा वकूफ़ तो हो गया है अब ऐसा वकूफ़ करो कि दुनिया को बिल्कुल ही वकूफ़ कर दो Allah अपने आप को वक्फ कर दो दिन के और बस वो दस साल का अरसा मुकम्मल होना था कि आपने मुकम्मल तौर पर सल्तनत को ख़ैरबाद कहा और पूछा हुजूर मुझे क्या हुक्म है कहाँ जाऊँ फरमा तुम हिंदुस्तान चले जाओ और हिंदुस्तान में शेख अलाउद्दीन की बारगाह में पहुँचो वो एक नेक तरीन इंसान है खुशबक तरीन आदमी है आलिम भी है और अल्लाह का वली भी है उसकी बारगाह में जाके जानो तलाम मुस्त करो और तुम्हें उसकी बारगाह से इन शरफ़ मिलेगा तो ये आपने बातनी और रूहानी एक अमर पाकर आपने हकूमत को खैरबाद कह दिया हकूमत समनान की छोड़ दी अमारत को खैरबाद कह दिया और आप शेख अलाउद्दीन की बारगाह में पहुंचे शेख अलाउद्दीन को अल्लाह तबारक वाल ने यह शर्फ दिया था कि उनके अपने शेख और मुर्शिद जब वो आए शेख अलाउद्दीन जहां मौजूद थे हिंदुस्तान में तो वहां उनको आकर जब उन्होंने देखा तो उनको अपने शेख ने भेजा था शेख अलाउद्दीन बहुत बड़े मुतबाहर आलम दीन थे सुबह और रुआसा में आपका शुमार होता था अमीर कबीर इंसान थे और इसके साथ अल्लाह तबारक वाली ने उनको बातनी और रूहानी ताल्लुक दिया था वाँ वाँ वाँ। तो इस वजह से उनको बहुत ज्यादा वो थी तो जब जो उनके शेख थे उन्होंने अपने शेख से जाके कहा कि हजूर जहाँ आपने मुझे भेजा है वहाँ तो शेख अलाउद्दीन जैसा बंदा मौजूद है वो आलमी दीन है वह तबाह दीन है और उसको इलाके में उसकी अमारत और रईस होने की बुनियाद पर अमीर और रईस होने का फायदा शहसब किबला ये होता है कि अगर बंदे के पास माली मजबूती हो तो फिर वो दीन की बात बड़ी धड़ले से करता है बड़ी जरत के साथ बहादुरी के साथ और बगैर लिगी लिपटी बात के करता है फिर वो। तो वो जब उन्होंने ये मुजहरा किया और मुशाह किया तो अपने शेख से कहा फरमा नहीं ये बात नहीं है जब तुम्हें एक बार देखेगा तो फिर तुम देखना कि तुझे अल्लाह ने क्या आजमत दी है यही हुआ शेख अलाउद्दीन आए और पहली बार ही आपकी मजलिस में आकर बैठे तो कहा हुजूर मुझे अपनी बैत फरमाए बैत किया फिर वही शेख अलाउद्दीन जहां शेख जाते जूते उठा के साथ चलते थे। पानी गर्म लोटा भर के, के लिए साथ रखते थे उनका बिस्तर उठा के रखते थे और उनके बारे में शेख अलाउदीन रहमत में जोर जहाँीर समनानी के पीर हैं मुर्शिद हैं बर रास्त उनके बारे में ये मशहूर है कि वो हर वक्त गर्म देकर अपने सर पे रखते थे ताकि उनके बाल खत्म हो गए थे यानी इतना बड़ा मुतबाह आलम दीन और इतनी बड़ी अमीर तरीन अस्थि अपने जमाने की वो शेख अलाउद्दीन के साथ यानी अपने शेख के साथ शेख अलाउद्दीन इतने अटैच हुए और मुसलसल कई साल तक दस साल एक कौल के मुताबिक उनके साथ रहे देख उठा के चले जूते पकड़ के चले वजू की ड्यूटी नौकरी करते चले उनकी खिदमत में मसरूफ करते चले बिल आखिर उन्होंने फिर आपको खिर का खिलाफत अता फरमाया वो शेख अलाउद्दीन जिन्होंने इतना बड़ा इल्मी कमाल पाने के बाद अपने शेख की फिर इतनी बड़ी खिदमत भी की और खिरका खिलाफत हासिल किया उनके मुरीद हैं जनाब शेख मोहम्मद अशरफ जहांगीर अल्लाह। तो यानी आपका ये एक बड़ा हसीन इम्तजाज यूं है कि खुद भी आलिम हैं, हाफिज हैं अपने जमाने के अमीर तरीन शख्स हैं, खुद और सख्ते हुत पर बैठने वाले तो इससे बड़ी क्या होती है? और जिनकी बाहत की है उनको भी रबीजुल जलाल ने दुनिया के मामले में बेनियाज कर दिया अल्लाग था दुनिया को ठोकर मार के बंदा जब दीन की तरफ आता है तो फिर वो आपको पता ना शेख इब्राहिम से किसी ने पूछा था क्या क्या मिला हुकूमत छोड़ दी है आप हकूत कैसे चलाते हो आपको पता है आपने वो जैसे गुदड़ी सी रहे थे उस सुई को पानी में फेंक दिया और फिर कहा कि सुई मेरी वापस करो तो वो मछलियां सुई लेके आ गई तो गोया अल्लाह की बारगाह में जो बंदा अपने आप को मुस्तरक कर देता है मुत्ल कर देता है मुतमस्क हो जाता है फिर पूरी मखलूक को रबल उसके काम में लगा देता है और फिर उसकी अजमत बताने की जरूरत नहीं होती कि चार पांच बंदे साथ रखे खुद कुर्सी पे बैठे और है है। तारीफ करवाए ऐसा नहीं होता है वो ना अपनी तारीफ करवाते हैं ना उन्हें तारीफ करवाने की जरूरत पड़ती है और ये जितने भी अलहमद ला इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी तारीफ नहीं करवाई है। अपनी जिंदगी में हमेशा बन के रहे हा, हा, हा। और लोगों की शेख इब्राहिम बिन आदम सुल्तान है और लकड़ियां उठा उठा के ला के बेचकर शेख वरीदी लिखा बेचकर लकड़ियां अपने खुद सर पर रखते और आपको पता है कि जब आपका बेटा 20 साल पहुंचा ये लकड़ियों का गट्ठा मैं उठा लूं है है तो नहीं आज तो तू उठाएगा लेकिन कल क्यामत में कौन उठाएगा ये शहादत मुझे मेरे रब ने अता की है मैं ये लकड़ियां उठाता हूँ और इससे कमा के तलाबा को पढ़ाता हूँ इल्म दीन की खैराब बाटता हूँ ये मेरा शर्फ है मुझे इससे मुशर्रफ रहने दो हाँ हाँ। और यही मेरे लिए मेरी, मेरी और बातनी खुराक और गजा और रबाल की बारगाह में मेरा पेशी है इस पर मुझे फखर भी है और इस पर मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र भी माशा नादरी आपने बहुत प्यारी और इब्तदाई गुफ्तु बड़ी खूबसूरत जनाब हजरत खुर्शीद आलम साबरी साहब की उल्ला से सुनी है अभी मेरे अगले मेहमान जनाब हज़रतमामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल कयूम सुबहानी साहब के पास जाएंगे और मुफ्ती साहब के बला से भी मैं गुजारिश करूँगा आप भी इब्तदी गुफ्तू नाजरीन की ख़िदमत में पेश फरमाएँ मैं समझता हूँ वैज्स आदत है खुशनसीबी है खूसा उम्मचन के हवाले से उनके नाजरीन और ख़ास कर मैं एक नाचीज़ यहाँ बैठ कर उन लोगों का तस्करा कर रहे हैं जिनको रबालमीन ने अलिया का ताजदार बनाया वाह उन लोगों का तस्करा कर रहे हैं जिनको रबालमीन ने विलायत के उन मरातब उन दर्जात पर फरमाया कि पूरे कायन के निजाम को उनके हवाले कर दिया और एक शर जो शेख सदन जिनके महर्र है और जिन्होंने लिखा वो शेर यह है कि तख्त सिम को मार कर ठोकर तख्त सिम को मार कर ठोकर सारे आलम के ताजदार हुए ये है अशरफ जहांगीर समन ताला त जो सारे आलम के ताजदार हुए इस अंदाज से और इस शान से आप चले कि लोग बादशाहत के पीछे घूमते हैं अपनी ज़िंदियाँ गुजारते हैं टोकरे मार मार के फिरते हैं लेकिन आप वो हैं जिन्होंने बादशाहत को छोड़कर आलमीन का रास्ता इख्तियार किया और मैं समझता हूँ आज के दौर में देखा जाए तो इंतहाई मौसर तबलीग का एक ज़रिया ये हो सकता है कि आज हम जो मादी दौर में मादी जरूरियात के पीछे सुबह से लेकर शाम तक शाम से लेकर सुबह तक दौड़ धूप में लगे हुए हैं और अपने पराए की पहचान नहीं है तारीफें कर कर के अपने मतलब उन लोगों के लिए मैं सोचता हूँ ये एक ऐसा दरीचा हज़रत अशरफ जहांगीर समदानी ने खोला है कि वो इस दरीचे में जानक कर अपने आप को नापे और थोले और अपना अंदाज़ा लगाए कि हम रब्बुल आलमीन की याद के लिए कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको थरक कर सकते हैं और उसकी जगह पर रब्बुल आलमीन को याद कर सकते हैं और मैं समझता हूँ ये शाह साहब ये जो ऊँचे आली ख़ानदान लोग होते हैं किस्मत भी लेकिन तरबियत का बड़ा असर होता है और तरबियत के हवाले से देखें तो हज़रत अशरफ जहांगीर समनानी रहमत वो जहांगीर है और उस जहांगीर के बेटे हैं, जो खुद अशरफ इस एतबार से है हाँ। कि दीनों दुनिया की दौलत समेट कर आप चले आपके वालद ग्रामी हजरत इब्राहिम नूर रमत ला तौर के बादशाह लेकिन ऐसे बादशाह थे कि कभी जुलम जबर को पसंद नहीं फरमाया कभी यादती को पसंद नहीं फरमाया बल्कि अपने रया को चलाया तो खुलफाए राशिदीन के याद को सरजमीन हिंदुस्तान और ईरान पर ताजा करके रख दिया और आपकी शख्सियत यह है हज़रत इब्राहिम नूर आप भी जहांगीर है लेकिन आप जहांगीर इस हवाले से है कि जहाँ जहाँ जाते लोगों को और सलाम की तरफ राग़ फरमा जहाँ जहाँ जाते लोगों की रूहानी परवरिश के लिए सामान मुहैया करते का एक लंबा चौड़ा कतार आपने नहीं बनाया बल्कि उसकी बजाय उलमा, हुकमा, सूफिया को अपने साथ रखा करते थे और अपनी शबरोज इस तरह गुजारते थे कि जो जो लम्हा मेरा गुजरे उसमें दुनियावी गुफ्तु न हो दुनियावी गर्द वबार की बातें न हो बल्कि जो जो भी लम्हा गुजरे वो जिक्र इलाही और जिक्र मुतफ़ा में गुजरे वा, वा, वा। कराम के सहबत के असर में भी रहकर लेकिन ख़ुद हज़रत इब्राहिम नूर रहमत लाली जो वालद ग्रामी हजरत अशरफ जहांगीर समनानी रह तल की आप ख़ुद एक बहुत बड़े आलिम मरतबा आलिम थे और आपके स्टेट के जितने भी फ़ैसले हुए हैं हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि आप वो वाद शख्सियत है तारीख हिंदो पाक में कि आपने जो जो फ़ैसला अपने दौर में किया इमाम आजम के मुताबिक किया के दरवाजे आपने, आप कि आपने गरीबों के लिए नादारों के लिए यतीमों के लिए कोल दिए और ऐसे कोल दिए कि आप खुद वजीफा दिया करते थे उन लोगों को जो अपने बच्चों को मदारस में मा की खिदमत में भेजा करते थे और आपकी हालत यह है कि जब आपके शादी का मौका आता है तो हजरत खदीजा के साथ आपकी शादी होती है लेकिन उसका रस्म यह है कि आपका सबसे पहला सवाल और मैार ये है कि जिस खातून से मैं शादी कर रहा हूँ या ये खातून औरत आलिमा भी है कि नहीं है फाजिला भी है कि नहीं है आज के अगर माहौल में देखा जाए तो सबसे पहले ये बात देखी जाती है कि अमीर भी है कि नहीं खूबसूरत भी है कि नहीं सीरत के साथ हमारा कोई दूर से भी ताल्लुक नहीं होता बेशक आपकी शख्सियत वो है कि जिन्होंने एक नया डायमेंशन दिया और आपने ये फैसला किया कि जिससे भी मेरी शादी हो वो आलम और फाजिला औरत हो और आलमीन ने ऐसे अंदाज में हजरत खदीजा को आपको आता फरमाया कि हजरत खदीजा दिन को रोज़े रखा करती थी रात को मसल्ले पर खड़े होकर इबादत किया करती थी दिन को अपने जहांगीर बादशाह अपने शोहर नामदार के पैसे लेकर गरीबों में बांटा करती थी रात के वक्त रब्बुल आलमीन की रजा के लिए सरब सुजूद रहती थी दिन के वक्त आप अपने घर में बैठकर कर कुरान करीम से काया करती थी रात के वक़्त रब्बुल आलमीन के हुजूर जाकर सजदे किया करती थी ऐसे वालिदैन हो तो उनसे जो बच्चा पैदा होता है वो अशरफ जहांगीर समदानी होता है माशा माशा नाजरीन आपने बड़ी ख़ूबसूरत और बड़ी प्यारी गुफ्तु सुनी लामा मुफ्ती फ़जल क्यूम सुबहानी साहब से अभी हमारे प्रोग्राम में छोटी छोटी सी ब्रेक का टाइम है और इन लाइंस आपके लिए अभी भी ओपन है और इन श्रा <coughs> वापस आएंगे आपको प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे और अभी आ, छोटी सी ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद बसमर मौज़ नाद्रीन ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अभी आप लोगों के लिए टेलीफ़ोन लाइंस ओपन हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पे हमारे स्टूडियो का नंबर देख रहे हैं और आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जो भी आपके ज़ेहन में सवाल आए ओलियाल के बारे में और बिलखसूस हजरत मखदूम सैद जहंगीर अशरफ सबनानी रहा तय के हवाले से और आज मैं आपको अर्ज करूँ कि जिस हस्ती का ज़िक्र हम कर रहे हैं ये कोई आम हस्ती नहीं है आपने पहले भी मेरे मेहमान ने ग्रामी से सुना है कि ये तख्त को ठोकर मार के ताज को ठोकर मार के बादशाही को ठोकर मार के फकीरों को फ़कीरी को पसंद किया इन्होंने और लताइफ़ अशरफ़ी में लिखा है कि जिस वक्त आपने उस ताज और तख्त को ठोकर मारी आप निकलने लगे तो आपकी वालदा ने कहा कि बेटा आप जा रहे हो और लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप यहाँ से पता नहीं किसी के साथ नाराज़ हो जा रहे हो बल्कि आप ख़ुदा की राह में जा रहे हो और शान शवकत से जाओ अपने साथ खादम लेके जाओ और ख़ुदाम की एक जमात आपके साथ थी जैसे ही आपने अपनी वालदा का हुक्म माना आप घर से निकले थोड़ा गए तो उनमें से कुछ लोगों को उसी जगह पर छोड़ दिया फिर आगे गए फिर और लोगों को कम कर दिया और एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ सात उलमा आपके साथ रह गए फिर उनको भी आगे जाके वहां छोड़ दिया सिर्फ आपके पास एक घोड़ा था और फिर क्या था कि उस घोड़े की फिक्र रहती थी उसको चारा डालने की पानी पिलाने की उसकी फिक्र रहती थी फिर उस फिक्र को भी दूर किया आगे जाके राह खुदा में मिसकिनों को वो घोड़ा दे दिया और फिर क्या है कि लताइफ अशरफी में लिखा है कि मखदूम शरफुद्दीन याहिया मुनेरी रहमतुल्लाह मनरी रहमत उन्होंने उनके आखिरी याम थे अपने मुरीदों को ये कह दिया अपने मानने वालों को अपने ताबेदारों को अपने खुदाम को ये बता दिया कि मेरा जनाजा एक अल्लाह का वली आ रहा है वो पढ़ाएगा और उसकी तीन सिफतें होंगी वो ज्यादा भी होगा आलिम दीन भी होगा और तख्त को छोड़ के आ रहा है वो ये तीन सिफतें उसकी हैं आ, हमारे साथ आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर पीरज़ादा ज्यादा साहब लंदन से लाइन पे हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं अस्सलाम वालेकुम व जी वालेकुम अस्सलाम आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और ये जरा मैंने मालूम करना था कि ये जहांगीर साहब जैन का मजार इंडिया में किस जगह पर है और एक दूसरे जो है एक आ, जिनका नाम है सूफी हमीदुद्दीन नागोरी ये गरीब नवाज के थे नागोर नागोशरी में तो इनके बारे में भी कुछ जिक्र चाहिए हाँ ठीक है इनशाला आज हम मखतूम साहब के बारे में कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इन इनशा उनके लिए भी हम प्रोग्राम करेंगे बहुत शुक्रिया जदाकल्ला तो नादरन मैं अर्ज ये कर रहा था कि मखदूम शरफुद्दीन याहिया मुनेरी याम त आपने अपने खुदाम को ये वसीयत की कि मेरा जनाजा जो अल्लाह का वली पढ़ाएगा उसकी तीन सिफतें हैं एक तो वो सैयद ज़्यादा होगा नंबर दो वह आलम दीन होगा और नंबर तीन वो तख्त को छोड़ के आ रहा है वो हुक्मरानी को छोड़ के आ रहा है जिसमें ये तीनों सिफतें पाई जाएंगी वह मेरा जनाजा पढ़ाएगा आप जिस वक्त वहाँ पहुँचे आपका रोब और दबदबा लोगों ने देखा अल्लाह के वली थे वैसे भी लोगों पे जाहिर हो गया और फिर लोगों ने पूछा कि आप में ये तीनों सिफतें पाई जाती हैं आपने कहा हाँ मैं खून रसूल भी हूँ औलाद अली भी हूँ और मैंने तख्त को भी छोड़ा है मैंने ताज को भी ठोकर मारी है और अल्लाह ने मुझे दीन का इल्म भी दिया है हाफिज कुरान भी हूँ जिस वक़्त आपने ये सारे कस, ये सिफतें बताई आपको जनाजे के लिए आगे किया गया आपने जनाजा पढ़ाया जैसे ही आप जनाजा पढ़ाते हैं जनाजा पढ़ाने के बाद आपका वो जुब्बा और दस्तार और वो खिलाफत आपकी जो है वो लेने के लिए बड़े हकदार वहाँ जाहिर होना शुरू हो गए किसी की कोशिश थी मुझे मिल जाए दूसरे की कोशिश थी मुझे मिल जाए जिस वक्त आपने ये देखा तो सब लोगों ने वहां मिल के एक फैसला किया कि आपकी दस्तार आपका जुब्बा आपकी कब्र मुबारक पर रख देते हैं मखदूम शर्फुद्दीन याहिया मुनेरी की कब्र पर रख देते हैं और वो जिसको अता कर दे जिसका हाथ वहां तक पहुंच जाए वो वहां से उठा लेगा और फिर ने लिखा है कि वहां किसी का हाथ पहुंचा ही नहीं अगर किसी का पहुंचा है तो वो उसको उठा नहीं सका और फिर क्या था कि हजरत मखदूम सैयद जहांगीर अशरफ समनानी रहा तय आपका हाथ पहुंचा और आपको वो जुब्बा और दस्तार मखदूम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह मनरी रम्ह आपने उठाने का मौका दिया और आपको इजाजत दी यानी जिनका हाथ पहुंचा था वो उठा ना सके यानी वो इतनी भारी हो गई इसका मतलब यह है कि वो साहिब कबर वो यहिया मुनेरी रहमत ला उसको उठाने नहीं देना चाह रहे थे और जिस वक़्त मखदूम सैयद जहांगीर अशरफ सन्नानी रहमत तय आपका हाथ वहां पहुंचता है आप उसको उठा भी लेते हैं और हजरत मखदूम शरफुद्दीन या मुनेरी रम्ह तय आपकी खिलाफत भी और आपका फैज़ भी आपको वहां से मिल जाता है और फिर आपने पीर मुर्शद की खिदमत में जाने के लिए आप आगे सफर शुरू करते हैं हमारे साथ खान साहब ब्रेड फोर्ट से हमारे बड़े प्यारे कॉलर हमारे साथ हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं असल वाले हुजूर के साहब बुखारी आपको बेखसूस अदिया तबलीग और बेज मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके जो आलम दीन दोनों को अदिया तबलीग पेश करता हूँ कि ये येमाय कराम और आप उन लोगों के लिए वक़्फ़ हो जाते हैं जिन लोगों ने अल्लाह अल्लाह के सूर की फैक्ट्री में काम किया आज अल्लाह अल्ला करीम अपने नबी के सदके में उनको पेंशन अता फरमा रहे हैं और फिर हुजूर की करणी देखिए अपने घर से हजूर मौलानी मुश्किल किशा की अहले बैस एक आदमी को उठा उठा रात के अंधेरे में सैयद सजाज सजाद हुसैन शाह बखारी को सर्दी बना दिया Allah और कराम को इन और कामिलीन के फजाइल और कमालत उस मखलूक तक पहुंचाने में अल्लाह ने जो जरिया बनाया है अल्लाह इन इनए कराम की उम्र इलम अमल फजल शान ईमान तकवा बुजुर्गी परेजगारी में रसूल्ला की तवजो का मरकज बना दे और उन और यमिलीन का आप जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ रब करीम और रब के रसूल के रजिए अपनी जान माल को वक्फ कर डाला आज हम एक वक्त नमाज के लिए फर्क नहीं कर सकते जो आदमी आज का नमाज नहीं पढ़ता वो फकीर पीर हो जाता है सक... लेकिन इन लोगों का मकाम देखिए सारी जिंदगी खुदा और खुदा के रसूल की फरमादारी और गलानी नमाज में कुरान हदीस फिका इलम का दर्द देते हुए गुजरी है फिर भी यसु का सुबह ही कहने लगे यार रब करीम हम तेरा हक अदारी कर सके हमें हाँ। हाँ। तो माफ عطا फरमा अपने नबी के सदके में तो आज के मुसलमान की जिंदगी देखिए पांच वक्त की नमाज पाद देता है थोड़ी सी थोड़ी सी कुरान की रोशनी कहीं से मिल गई कहता है सब लोग जा रहे हो जायद होगे अगर इलम है तो मेरे पास ही है तो इन लोगों का इल्म देखिए समुंदर की तरह ठाठे मारता हुआ समुंदर वीर साबरी साहब को कहां से उठाया और हमारे दूसरे आदमी वीर सो कहा को कहां से उठाया फरमाया कि ये रसुल्ला के गुलामों का जिक्र करें और जिक्र करने के बाद इनकी जबान में अल्लाह करीम अपने नबी की तवजो का मरकज बना देगा तो मेरे लिए भी खसूसी दुआ कीजिए और मुल्क पाकिस्तान और बरतानिया की और यूरोप की नौजवान नस्ल के लिए खसूसी

आजकल जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपने आप को फकीर कह के बाद में बन जाता है मैं इस पर जरा थोड़ी सी रोशनी <coughs> खान साहब हमेशा बहुत प्यारी गुफ्तु फरमाते हैं और उनकी बातों में बड़ी पंदो नशाए होती हैं अलहमदिल्ला के राम का जिक्र करने का मकसद ये होता है कि वो उनकी सीरत उनकी जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है और जिस तरह उन्होंने रबाल की बारगाह में अपने आप को पेश किया हम भी वही तरीका अपनाएं और उसी तरीके पर चल कर अल्लाह तबारक व ताली की बारगाह में एक फर्मा बरदार उसके बंदे बन जाए ये जो बात है देखें शरीयत का आ, अमल और शरीयत मतहरा के जहरी अहकाम को माने बगैर कोई बंदा भी वली पीर शेख नहीं बन सकता अगर कोई ऐसा बनता है तो ये बिल्कुल ऐसी बात है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है बेदस्तोपा बात है हकीकत के बग़ैर बात है आप कहें फ्राड है सब का सब फ्राड है और उसकी कोई हैसियत अहमियत है, नहीं है आ, किसी बंदे को भी जो बंदा मुकलफ़ नहीं बनता आकाम तकलीफिया को अपनाता नहीं है और जैसे उन्होंने फरमाया नमाज़ रोज़ा हज ज़क़त की तरफ मुतव नहीं है उसको दीन का कुछ भी नहीं मिला दीन के अंदर सब कुछ है दीन आ, होगा तो कोई बड़ा होगा वा, 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 वा। जब दीन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है तो इसलिए अगर कोई बंदा इस तरह की बात करता है और ये लोग हमारे सादा लोग हैं ऐसी बातों के चक्कर में आ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद हम बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं और ये जो हजरत जो लोग हैं ना जो इस तरह के हैं इलमी दुनिया में नहीं हैं जाहिल हैं रूहानियत की दुनिया में जाहिल हैं एक इंट्रस्ट्री समझ के पीरी मुरीदी करते हैं उन लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो लोगों को इस बात की तरफ मुतव कर दें जो हम कह रहे हैं हमारी बात मानी जाए और हमारी बात की अहमियत हो ये कुदरती बात है हर वो बंदा जो दीन की रूह से दूर होता है फिर उसके लिए इस तरह के असबाब पैदा करना अपने इर्द गिर्द एक माहौल क्रिएट करना उसकी एक आ, मजबूरी बन जाती है वो पैसे देकर भी ऐसा माहौल क्रिएट करवाता है और हर एक बंदे के मुताबिक उसको वो डील करता है जिसको पैसे की जरूरत तो उसको पैसा दिया जिसको उसकी ज़रूरत उसको वो दिया किसी को कुछ दिया जितना कुछ उसके पास होता है इस्तेमाल तो वही करता है तो इसलिए ये जितनी बात उन्होंने की जो बंदा नवाज़ रोज़ा हज जक़ात शरीयत मतहरा का पाबंद नहीं है उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है और जिसका दीन से ताल्लुक नहीं है वो पीर या शेख कैसे बन सकता है शेख और पीर के लिए ज़ाहिरन भी जरूरी है भी कि वो शरीय पर अमल पैरा हो आका शरीय पर सौ फीसद चलने की बात करता हो आपको खाजा बाजी मुस्तामी रमत के बारे में मशहूर है कि आपके पास एक शख्स आया और वो एक दो दिन तीन दिन ठहरा तो फिर वो चला उसने कोई बात नहीं की आपने पूछा तुम तो आए थे मैंने तो इसलिए नहीं पूछा कि तुम तो महसूस ना करो कि मैं शायद इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी खिदमत करनी पड़ती है लंगर शरीफ पेश करना पड़ता है आपके रिहायश का एहतमाम करना इसलिए मैंने पूछा नहीं है लेकिन तुम बताए बगैर अब जब वापसी की इजाजत मांग रहे हो तो मैंने इसलिए पूछा है कि कोई मेरे लिए खिदमत काम तो देखा जनाब खिदमत मेरी यह थी काम कोई नहीं था मैंने आपकी बड़ी धूम सुनी थी और मैंने सुना आप बड़े वली शेख हैं लेकिन मैं आया दो तीन दिन में मैंने आपको कोई करामत नहीं देखी फरमा अच्छा मेरी बात सुनो तुमने करामत नहीं देखी लेकिन इन दिनों में जितना दिन तुम यहां रहे हो मेरी तुमने देखी वाजबात का आलम भी का आलम भी कोई काम तू ने मेरा और मेरी खानका का सुन्नत के खिलाफ देखा उन्होंने कहा नहीं जनाब ये तो ऐसा तो नहीं फरमा जाओ फिर बड़ी करामत और मुझे मेरे पास नहीं है और यही करामत जिसके पास होती है कि वो शरीयत मुताहरा का पाबंद होता है देखे ना हुजूर शेख पाक शेख अब्दुल्ला शेख रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पीरों के पीर हैं, पीर गर हैं शेख वाँ, गर हैं उनको ये शैतान ने जब ये झांसा देना चाहा और वो नकली नूर बना और नूर से आवाज आई कि अब्दुल कदर बस कर अब तुझे नमाजों की जरूरत नहीं रही तो आपने फौरी यही सोचा ना कि मेरे नाना जान को सरकार को यह पैगाम नहीं आया तो मैं उनसे बड़ा हो गया हूँ मुझे यह पैगाम क्यों आ रहा है इसका मतलब है रहमानी पैगाम नहीं है Allah. उसी वक्त आपने वला वला पड़ा शैतान से पना मांगी वो सारे का सारा नूर धुआं बन गया Allah. फिर उसे आवाज आई अब्दुल तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया फरमा जालिम अब ये दूसरा तू हमला कर रहा है मेरे इल्म ने नहीं बचाया मेरे रबीजुलजलाल के फजल ने मुझे बचाया

एक बात पूछनी थी मुझे थोड़ा सी उसमें कंफ्यूजन है भाई एक पीर है इंडिया से वो मेरा ख्याल तलक रखते हैं और दुनिया में काफी मशहूर भी है तो उनकी एक बैद करने वाली औरत थी तो कहती थी आप भी करें ये अच्छे हैं ये फलाना है मगर मैंने उसकी कुछ तक एक स्पीच सुनी है तो वो बता रहे थे कि आप ये कब्रों में चादरें नहीं रखते थे आप सुननी नहीं है तो मैंने ये अजीब बात समझी क्योंकि हमने ना तो कोई इसका हदीस में ना कुरान में ऐसा कोई चीज सुनी है करने की जरूरत है आप प्लीज बताएं इसका कुछ है कुछ ठीक है इस बात करते और इसके बावजूद में इशारा और नबी के इशारा असाबियो को इशारा ये कैसा है ये कैसे हो सकता है इस और इसका क्या मैदा क्या है करने का इस पर जरूर बात करते हैं बहुत आपका खूबसूरत सवाल है इस पर बात करते हैं बहुत शुक्रिया जी हजरत आप जिस तुम्हें बात ये कर रहा था कि अलिया कराम का हमेशा ये तरीका रहा कि वो नमाज रोज़ा हज जक़ात शरीत के अहकाम ज़ाहरिया के बड़ी सख्ती से पाबंद रहे और हमेशा पाबंद रहे उन्होंने हमेशा इसी बात को समझा इसी बात को जाना और पाबंदी के साथ इन तमाम बातों की तरफ वह मुतवज रहे जो लोग नमाज़ से सुस्ती की बात करते हैं शरीय के किसी हुक्म से सुस्ती की बात करते हैं या इल्मी दुनिया की बात करते हुए वो समझते हैं कि शायद इल्म कोई और चीज़ है या पीर मुरीद बनना बनाना कोई और चीज़ है ये बात बिल्कुल गलत है देखें आप हम जिन बुजुर्गों का जिक्र जब भी करते हैं तो उनकी मेन क्वालिटी और खूबी ये, ये नहीं कहते कि उन्होंने इतनी उम्र में हिफज कर लिया शेख अब्दुल जी ने रहमतल्ला का क्या है इतनी उम्र में हिफ कर लिया शेख शाहबुद्दीन सरवर्दी ने इतनी उम्र में हिफज कर लिया शेख शाह नक्षबंद ने इतनी उम्र में हिफस कर लिया हजूर ख्वाजा पाक ने इतनी उम्र में हिफस कर लिया जिनका भी जिक्र करते हैं सबसे पहले उनकी उलूम दीनिया की बात होती है शरफ के साथ उन्हीं की बात की जाती है अच शेख अब्दुल कदर जी रम्ला की बारगाह में जितने बड़े बड़े शुरा और उदबा लोग आते थे तो वो क्या होता था आपकी मजलिस में आकर मतलब जो ख़शाब नावी आया या वो बहुत बड़ा अपने जमाने का अदीब और शायर आया तो उसने आपके क्या क्या कहा जब उसको आप हजूर गौ से पाक के मुरीद ने कहा था ना कि आओ मैं तुम्हें गौ से पाक की बारगाह में ले चलता हूँ और देखना कि मेरे शेख कैसे वो तो वो आए और आप आपने वो बात शुरू की तो उसने कहा जी मैं तो शायर हूँ तो आपने शेर पढ़ना शुरू किए तो वो तो था उसको जहन में ये था कि मुझे शेर ज़्यादा आते हैं आ, हा, हा। तो उसने ऊपर चादर ली हुई थी और अंदर वो गिरे लगाता गया अभी आप शेख साहब ने इतने शेर एक शेर पढ़ दिया गिरा लगा दी एक शेर पढ़ दिया गिरा लगा दी तो हजूर गौसे पाक थोड़ी देर बाद मुतवजे तो फरमाया मैं गिरे खोल रहा हूँ तो गिरे बांध रहा है आया, 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 आया। तो यदि वो बड़ा हैरान हुआ और उसको ये अंदाज़ा हो गया इस बात का। तो गोया जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और हो, जो आपने ये ख़ुद फ़रमाया तो बुनियादी तौर पर बात ये हो रही थी एम खान साहब की जितने लोग हजवरी रहमत ते हैं आपने कशुल माजूब आप उनकी पढ़ें या दीकर उनकी जो कुतब हैं उनकी तलीमत पढ़ेंदूर बाबू फरीद मसूर के शगर के बारे में पढ़ें ये शेख अब्दुल्लाक मदस देलवी ने आ, तो ये किताब जो लिखी अखबार ये किताब है शेख मी इसमें जितने वाली के राम के दिए हैं तो उनमें सबसे पहले वो जो जिक्र करते हैं यही जिक्र करते हैं उनका इल्म इतना बड़ा था उनका अमल इतना बड़ा था वह इल्म और अमल ही तो दो में यार हैं जो इंसान को मुमताज करते हैं बाकी इंसानों से बेशक आज भी जिन लोगों का नाम हम लेते हैं किसी अंदाज में किसी तबका में भी तो वो कौन लोग हैं वो वही लोग हैं ना जिन्होंने कुरान और हदीस के इल्म को समझा उसको पढ़ा और उसको पढ़ाया और फिर उस पर अमल करके अपनी बातरी दुनिया को खुद मुनवर किया की बारगाह में गए पीरान कराम की बारगाह में गए मशाइख की बारगाह में गए यही जो हम जोदूम मखदूम समनान का जिक्र कर रहे हैं इन्हीं के बारे में है कि जब ये तशरीफ लेके गए हैं तो इनके शेख खुद दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे लंगर खिलाने का खाने का वक्त था तो आपने सारे मुरीदों को बुलाया कि मुझे किसी के आने का इंतजार है हाँ। वो खुद दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे तो गोया ये, ये क्या है यानी उन लोगों की ये तवक्को थी उन लोगों की ये तमन्ना थी और उन लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हम लोगों में ऐसे लोग पैदा करके चले जाएं कि वो लोग हिदायत का जरिया बन जाएं जैसे कि हम हिदायत का जरिया हैं हर पीर हर शेख और हर वली जरिया हिदायत बना और उस हिदायत को अपने ऊपर सौ फीसद लागू किया ऐसा कभी हुआ ही नहीं है को, को बंदा यह कहे कि मुझे मैं शरीयत से दूर हूं मगर मैं को बहुत बड़ा शेख हूं नहीं ऐसा ना होता है कोई ना ही बनता है ना ही बन सकता है वा, वा, वा। तो इसलिए जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो हमारे जो सादा लोग बहने हैं भाई हैं उनकी वजह से ऐसा करते हैं और वो इसलिए कि वो बहुत जल्दी उन पर एतमाद कर जाते हैं इतम करना चाहिए मगर कुछ देख कर करना चाहिए हाँ, एक बंदे के जारी अमाल जारी उसके अमल की जिंदगी उसके अमाल की जिंदगी कम से कम उसका दीन के साथ एक ताल्लुक और कलमा शरीफ सीधा पढ़ना एक बंदे को नहीं आ रहा तो वो क्या शेखुत करेगा आहा, वो, वो वो अगले का बेड़ा ही डूबेगा हाँ, वो क्या हिदायत का काम करेगा और वो किसी के दिल की दुनिया क्या बदलेगा लोग ये समझते हैं कि हमने अगर किसी से कोई फायदा हासिल कर लिया फायदा वही बात है फायदा हासिल करने वाली क्या बात हुई फायदा तो मेडिसिन से फायदा नहीं होता तो फिर मेडिसिन वली हो जाती है पैरासीटामोल सर का दर्द दूर हो गया तो वो वली हो गई है माशाल्लाह ये बात नहीं है चीजें ऐसी होती हैं वो वो आपको उसका दीन से इस माना में ताल्लुक नहीं होता दीन भी फायदा देता है मगर अगर दीन के अलावा कोई चीज फायदा दे रही तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम दीन की जारी बातों को देखिए ना सरकार ने ना जब ये फरमा दिया कि अगर कोई हवा में उड़ता आ रहा हो और पानी पर चलता आ रहा हो मगर वो मेरी सुन्नत का तारीख हो तो समझो कि वो सब कुछ हो सकता है वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता उसका ये उड़ना हवा में फरमा और फिर औलिया नाम ने उसकी क्या हवा में उड़ना मक्खी का काम है पानी में तैरना मछली का काम है इंसानियत से बुलंद है बेशक तो हमारे लोग तो आपको पता है हमारे लोग तो पता नहीं कोई को ड्रामा भी करे तो समझते हो जी पता नहीं क्या हो गया क्या कुछ हो गया कोई कुछ नहीं होता क्या कुछ होता है बहुत सारी बातें होती हैं उन बातों को समझना पड़ता है शरीयत की पासदारी सबसे बड़ा एजाज है सबसे बड़ा एजाज है और इसी को औलियाए कराम ने सुल ने इसी को पूरा किया और इसी पर चलते रहे और खान साहब की, की बात से बिल्कुल करते हो आप हाफिज हो आलिम हो कारी हो सब कुछ हो हमें कोई करामत दिखाओ कि जो तुम कहते हो अल्लाह एक है इसकी गवाही हमें कौन दे आपने फरमा आओ तुम्हारे बुद खाना में चलता हूं। लेके गए और एक पत्थर को इशारा करके कहा सनम बोलने लग गया पांच सौ जादूगर लेकर आपके मुकाबले में जादूगर आया हिंदुस्तान में जिन औ भी चिश्ती बुजुर्ग है ना मखदूम जहांगीर मोहम्मद जहांगीर अशरफ जहांगीर समनानी भी चिश्ती बुजुर्ग है तो उन तक जाता है सिलसिला तो हजूर साबिर कलजरी हूँ या हजूर ख्वाजा पाक हूँ इन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर आ, सलासल चिश्तिया के बुजुर्गों ने जो फैज तकसीम किया मुकाबले करके किया है हिंदुओं का दो टोक मुकाबला किया कियाजू मखदूम पाक ने कहा जाके और उसमें कहा कि ये ये है और वो जादूगर साहब ने कहा मेरे साथ मुकाबला करें करे अबरमा हम मुकाबला नहीं करते हमारे साथ बैठो दलाल से बात करो तुम क्या समझना क्या चाहते हो उसने कहा जी समझना मैं क्या चाहता हूँ मैं एक जादूगर हूँ मुझे कुछ कर सकते हो तो करो आप जलाल के आलम में उठे और फर्मन लगे मैं क्या करूंगा जो करना है मेरा रब करेगा बस इतनी बात की वो तड़पा जमीन पर और फिर उसकी सांस नहीं निकली तो इस पर वो जितने पांच सौ जादू उसके साथ था उसके चेले उसके चाटे वो सारे के सारे हुजूर मख्म पाक के हाथ पे बैत हो गए और हमेशा के लिए जिंदगी में तौबा कर ली लोग तो जादू एडा वादू यदि काट नहीं होनी मैं कहते किसे तेन पते को नहीं काट दी की तू तो आप दी काट बूंदा फिर ने। तो ये जो मखदूम पाक का फैजान है और या कराम का फैजान है वो यही है कि वो लोग हकीकत की तरफ लेके लोगों को आते हैं मजाक से बचाते हैं बुराई से बचाते हैं बनावट से बचाते हैं हक हाँ की तरफ लेके आते हैं यही और क्राम का फैज है और नेकी की सबसे बड़ी या किसी के बड़ा होने की दलील ये है कि वो रब जलाल की बारगाह में खुद छोटा होता है जितना वो अपने आप को छोटा करता है रब उसे बड़ा करता चला वा, वाह 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 माशा नाजरीन आपने बहुत प्यारी गुफ्तु सुनी अः साहब से मुफ्ती बिला आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि अबू बकर साहब ने रश डिल से अभी ये सवाल भी किया आपने सुना है वो कहते हैं कुपीर साहब हैं वो कहते हैं कि अगर कब्रों पर चादर चादरें ना चढ़ाएँ तो बंदा सुन ही नहीं रहता और पीरजा साहब ने लंदन से फ़ोन किया था वो पूछते हैं कि मखदूम साहब का मेज़ कहाँ है मैं चाहूँगा किसको भी आप बिस्मिल्लिम सबसे पहले तो वो जो सवाल किया अबू बकर साहब ने उनको गलती लगी है पीर साहब ये चादर की बात नहीं करते मुजावर साहब करते हैं <laughs> मुजावर साहब होते हैं ना जो चादरों के लिए बैठे होते हैं ये उनका काम होता है और हकीकत ये है लतफ़ अशरफी में हुजूर सरकारी संदानी रमतल ताला ने इरशाद फरमाया कि तसव्वुफ की सबसे पहली सीढ़ी ये मुजाहदा है दूसरी सीढ़ी है मुराकबा और आखिरी सीढ़ी जिसको मुशाहदा कहते हैं <laughs> और आप उन उलिया में शामिल हैजरत ताला रहमत जिन्होंने तसवफ को अल्फाज दिए दिल की दुनिया को अल्फाज़ की दुनिया में जिसने समेटा उसका नाम जहांगीर समनानी रहमत तसवफ का ताल्लुक के साथ है रूह के साथ है उसको अल्फाज के पेरे में बंद करना यह हर किसी का काम नहीं है ये उसका काम है जो अल्फाज के का भी माहिर हो और तस्वुफ़ केलूम का भी माहिर हो वह और आपने कई कुतब लिखे कि जिन किताबों को पढ़कर लोग वली बन गए जिन किताबों को फॉलो करके लोग वली बन गए आपके मुजाहदे की तारीफ ये है कि आपने फरमाया मुजाहदा जो शख्स करता है वो सबसे पहले चाहता है कि जो मैं जिहाद कर रहा हूँ इस जिहाद की आगाज़ और इब्तदा क्या है और अभी जो अलामा साहब ने फरमाया कि इलम सबसे बुनियादी सीढ़ी है उस मुजाहदे की इब्तदा के लिए अगर इलम नहीं है तो मुजाहदा तो अमल का नाम है तो जिस चीज़ का इलम नहीं है जिस इलम का इधराक नहीं है उसके सिफात का इधराक नहीं है इंसान कैसे अमल पैरा हो सकता है लिहाजा सबसे पहले इलम की सीढ़ी को अपनाना ये मिजाजी नुबत है रसूल सलात वाम ने तरबियत फरमाई तो उन लोगों को अपना पयाम्बर बना के भेजा जो सुफ़ा के लिस्ट के अंदर शामिल थे जो सुफ़ा के लिस्ट के लिस्ट अंदर शामिल होकर आलिम और फाजिल बने उनको पयाम्बर बनाया अपने सिलसिले और तरीक का रहनमा और खलीफा बनाया और उनको मुख्तलिफ शहरों में भेजा ताकि वो हिदायत की कारी करें लिहाजा ये जो मिहाजी तसवफ है इसको अच्छे अल्फाज में हुजूर दाता रहमतुल्ला रहमत लेने एक अजीम पैराए में इसको कशफुल माजूब शरीफ में नकल फरमाया आपने फरमाया ज़िंदगी के अंदर दो किस्म के लोगों से मेरी मुलाकात हो गई एक वो जो बैठ कर आलमा के फजाइल बयान करते रहे वालों की बात करते रहे कि ये फलाँ हैं ये डिमका है इनका ये मकाम है इनका ये मरतबा है सोने में भी ब मिलता है जानने में भी, भी वाब मिलता है दरसो तदरीस करते हैं तो स्वाब पाते हैं फरमाया एक ये तबका मैंने पाया फरमाया दूसरा तबका मैंने वो पाया कि जो लोग दावा करते हैं कि जो सूफ़ी बनता है नफल करता है ज़िक्र अस्कार करता है शजरा पड़ता है अपने बुज़ुर्गों का असलाफ के रास्ते पे चलता है मज़ार की सफ़ाई करता है मज़ार के गिरदा गिर्द घूमता है फाते हा पड़ता है गर्भतियाँ लगाता है पानी पिलाता है तमाम जो ये काम सूफिया के हैं बदों के हैं जादों के हैं फरमाए इन लोगों को मैंने पाया तो मैं सोचा कि ये जो दोनों रास्ते हैं एक वो जो इलम के फजाइल बयान करते हैं और एक वो जो सूफिया के और और आबिदीन के ज़ाहिदीन के फजाइल बयान करते हैं आपने फरमाया दोनों को मैंने राही सुन्नत से दूर पाया वो जो सिर्फ़ इलम को लेके बैठे हैं उनको मिजाज नब्बत से दूर पाया जो सिर्फ़ तसवु को लेके कर बैठे हैं उनको मिजाज नब्बत से दूर पाया आपने फरमाया मैंने महाज नबत को अपना तरीक़ बनाया मिनज नबूवत यह है कि दिन के वक्त बैठ कर रोशनियों में अल्लाह व ब रसूल का जिक्र करो रात की तारीखियों में फिर सरब सुजूद सर हो जाओ और सुबहान रबी के तराने गाओ आपने फरमाए ये मैंने मिनहाज बनाया और मैं आगे के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि असल सरात वो है जो सरातर है सुबह रसूल आल सलासल्लाम ने दिन के वक़्त साहब कराम की तरबियत की है औरलम को आम किया है रात के वक़्त आपने लंबे लंबे सद्दे किए हैं और उमिन फरमाती है कि आपके पाँव मुबारक ऐसे मोटे हो जाते थे और हमें तकलीफ़ होती थी कि हज़ुर सलात वसलाम लेकिन आप इमाम लंबिया है आपका मकाम और मरतबा बाला है किसी के समझ और फ़िक्र में आपका मकाम और मरतबा आता ही नहीं है लिहाजा ये है अहल तसवुफ़ का और अहल इलम का ज़ाविया अब आज के पैराए में जो चादर की बात हुई है आज के पेराए में जो मैंने गुफ्तु की है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है आज के पेराए में बात यह है कि जब मुझसे माकाबल बयान किया गया और उसको भी मैं कशफुल महजूब शरीफ की रोशनी में बयान करना चाहता हूँ हजूर दाता गंजब्श रहम्ला फरमाते हैं मेरे इस जमान के अंदर सूफी उसको माना जाता है जो सबसे बड़ा रियाकार होता है फरमाए जिसकी दाढ़ी सबसे लंबी हो जिसकी तस्वीर सबसे ज्यादा हो जिसकी पगड़ी सबसे बड़ी हो और जो अपने आप को नाप तोल के हर रोज पेश करता है मैं इतना सूफी हूँ मैं इतना सैयद हूँ मैं इतना आलिम हूँ मैं इतना पारसा हूँ मैं इतना सच्चा हूँ मैं इतना गुजार हूँ मैं इस वक्त ये करता हूँ मैं इस वक्त ये करता हूँ आपने फरमाया जो सारा दिन मैं के अंदर लगा होता है जमाने वाले मेरे जो जमाने वाले हैं वो उसको सबसे आला वली मानते हैं आपने फरमाया ये मिजाज है अब उस दौर को देखे आज की दौर को देखे उस दौर में कितना था उस दौर में तकवा तहारत जिसमें हुजूर दादा गंजब्श रहमतल्ला सैदलिया और... खुद तशरीफ फरमाते आज के दौर में आप देखें आज के दौर में एलम और तस्वफ़ एलम और, और आ, इबादत और, और जो तो और तकवा का बहतात है इस हालात में आप देखें तो यकीन मानिए कि तसवफ़ के साथ इस दौर में जो ज्यादती हो रही है आप खोल ले लेंद मैं तो आपके पास दोबारा वापस आता हूँ आ, हमारे साथ नवाज भट साहब फ्रांस से लाइन पे हैं। ला, क्या क्या से आल्हम्दुल्ला, आल्हम्दुल्ला, है अलहमदल भट्ट को तसगे मौका नहीं मिलता आपको आप लोगों की ये भट साह बट साहब आप लोगों की मोहब्बत है और मैं अलहमदिल्ला हज की शहादत हासिल करने के लिए गया हुआ था और फिर थोड़ी देर आपको एक हजार दफा मुबारकबाद देता हूँ पहले मुझा तो एक दफा खैर मुबारक तो खाए तो, पकीजा आज का टॉपिक माशा सैयद अशरफ जहंगीर रहम्ला इसकी अजीम अस्सी के मतलब मुझे तो कोई है मलूमत नहीं है साहब कोई सब मैं बात कर रहा हूँ लेकिन खान साहब और साथ हमारे लामा साहब जो बयान फरमा रहे हैं माशाला हम मजूज हो रहे हैं और इतफादा कर रहे हैं अपने इलम में बहरहाल अलिया जहाँ भी हैं जिंदा हैं और हमेशा जिंदा है तो मेरे दो सवाल हैं अगर आप आपकी इजाजत से कि पहला सवाल तो यू है कि यानी इस अलिया के मौजू की की मुनासबत से कि इल्म नारी और इल्म नूरी से क्या मराद है इम नारी और इम नूरी दूसरा सवाल मेरे मेरा ऐसा है इल्म और हिकमत में क्या फर्क है इल्म और हिकमत में क्या फर्क है बेहद शुक्रियाते रहे आप प्रोग्राम लेकर अच्छे से प्रोग्राम आ रहे हैं इन तो हमारे हमारा जो है ना वो महीना आ रहा है रबी लवल का इनशाला बिल्कुल बिल्कुल बेहद शुक्रिया दुआ में याद रखेगा बहुत शुक्रिया भाट साहब बहुत मेहरबानी जी हजरत फरमाए थे तो आज के दौर में जो तसवफ़ के साथ जुल्म ज्यादती और जबर किया जाता है वो ये है और ये जो नवाज़ भट्ट साहब ने बात की है मुझे तो इतना बताओ कि मुसलमा भी हो ऐसे तो हम सैयद भी है पठान भी है और ख़ान भी है लेकिन यहाँ बनकर रसूल आलिस्ला तो वसलाम के ग़ुलाम बंद कराते हैं मुझे तो इतना बताओ कि मुसलमान भी हो, हम मुसलमान कितने हैं इन कौमियतों और आसवियतों से निकल कर हम रसोल्ला के गुलाम कितने हैं वो जो अलामा ने कहा था कि निगाह याश् व मस्ती में वही और वही आखिर उसी के पैराए में आप देखें कि वो जो अमामा ने फरमाया कि ये तो हजूर आल सलाम को निगाही याश्को मस्ती में रखना है फिर फ़रमाए के आ, अगर तेरी निगाह और तेरा सोच मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं कुछ ऐसे पहराए में आपने इर्शाद फरमाया तव्फ़ का जो तमीज़ है और जो मिजाज है वो ये है कि दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं अगर दिल और निगाह मुसलमान नहीं और कौल और अमल आलम के मुताबिकत नहीं रखता तो उसको सूफी नहीं माना जाता आज के दौर में जो जितने भी मामला है वो आपके सामने है लेकिन ख्वाजा हज़रती समनानी रहम्ल त जो तरीक़ है वो वह है आपका जो तरीक़ है, आप मुजाहदे में भी जाने से पहले तलिब इलम रहे और फिर आलिम दीन रहे फिर आपने मुजाहदे का रास्ता इख्तियार किया ये जो सूरत है ना ये तमाम अलिया कामिलीन की जिंदगी को आप देखें ये तमाम अलिया ने लिखा है कि वलायत की सबसे पहली निशानी वह है सबसे पहले निशानी वह है और अगर इलम नहीं है तो विलायत के दर्जों तक पहुँचना ये किसी जाहिल सूफी का काम नहीं है किसी जाहिल जाहिद का काम नहीं है किसी जाहिल आबिद का काम नहीं है और ऐसे भी देखे कि वो पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह के वली बन गए दरस कुरान और दरस दर हदीस देते देते वो रब्बुल आलमीन के उस बुलंद मकामात को वो पा गए कि वो मुशाहदे तक पहुंच गए ओलिया कराम ने बहुत सख्ती से ये नकल फरमाया कि जब भी मुशाहदे का मामला हो तो मुशाहदे के मामलत को तहरीर नहीं किया जाता मुशाह के मामलत पर दो पाबंदियां हैं एक पाबंदी तहरीर की है एक पाबंदी तकरीर की है ये दोनों पाबंदियां लगाई गई है कि जो मुशाहदा है वो मुशाहदा ही रहे उसको न लिखा जाएगा न बोला जाएगा आजकल जो अपने करामात बयान किए जाते हैं कि मैंने ये किया फिर मैंने वो किया फिर मैं उससे मिला फिर मैं उससे मिला फिर मैं ये जो सिलसिला है ये मुशाहदात के असूल के खिलाफ है तस्फ के बुनियादी उसूल में ये बात है कि जो कुछ देखा मुशाहदा किया, मुजाहदे और मुराकबे के बाद जो मुशाहदा किया, मुशाहदे का हिस्सा इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है इस दुनिया के अंदर उसको बयान नहीं किया जाता इसलिए हमारे तमाम ओलिया कराम ने अपने जो क्राम जाहिर हुए उस पर भी सकूत अख्तियार किया उसको अपने बुलंदी के लिए अपने दर्जात की वो उलिया को बयान करने के लिए अपने आज़मत को बढ़ाने के लिए अपने मुरीदों के नज़र में अपने सांच को अपने अपने दामन को और अपने इलम के दबदबे को बिठाने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं फरमाया बल्कि जो जो करामत ज़ाहिर भी हुआ और ख्वाजा सबनानी रहमत ला की सबसे बड़ी करामत यह है कि आपने फरमाया कि मैंने सिलसिला लिया है तो सिलसिला इलम की दौलत से मुझे मिला है और जो जो, जो ये सिलसिला चलाएगा वो के ज़ोर से इस सिलसिले को चलाएगा कादरिया शरीफ में भी बाज ऐसे तरीक़ है कि वह के ज़ोर पर उसमें मनाजिल तय किए जाते हैं अगर बंदा आलिम नहीं है तो वो उन मनाजिल को नहीं पा सकता जो काद शरीफ में मयसर है और इसी तरह इन्होंने भी इन बुजुर्गों ने भी इरशाद फरमायाजूर जहाँगीर समनानी रमत ने क्या के बदौलत मैंने इन 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 मकाम को पाया और जो जो मेरे बाद इस सिलसिले को चलाएगा तो वो इलम के बदौलत इस सिलसिले को चलाएगा लिहाजा ये असूल है तसुफ़ के और इन ओल को लिए हुए जो लोग चलते हैं वो यकी राय हिदायत पाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। लामा साहब आपसे गुजारिश करूँगा ये नवाज़ भट साहब का सवाल था वो पूछते हैं इल्म नारी और नूरी में फ़र्क क्या है बसमल आम तौर पे इसका जो लफ्जी माना है वो तो नारियाग का इल्म और नूरी नूरानी लेकिन मजाजी मानों में नारी इल्म से मुराद शैतानी इल्म है और नूरी इल्म से मुराद रहमानी इल्म है शैतानी इल्म में जैसे बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कहते हैं जी वो आ, वो भी तो हो जाता है जादू का असर हो जाता है या शैतान का भी हदीस पाक में जैसे फरमाया कि शैतान बंदे को पहले वरगलाता है सुस्ती की तरह माइल करता है फिर सुस्त जब हो जाता है तो कहता है चलो अब टाइम थोड़ा रह गया अभी थोड़ी रेस्ट कर ले कज़ा करके पढ़ लेना तो करते करते यहाँ तक नमाज में पहुँचता है और नमाज में अंदाजी करता है फिर बिल ला करके वो भूल जाता है कि मैं कौन सी रखा तो ये हदीस पाक है बाकायदा सही हदीसी पाक तो गोया वो ये उसका मुख्तलफ़ इलु बानु से हरबू से अपने इल्म का इस्तेमाल है ग़लत इस्तेमाल जो वो करता है अच्छा दूसरा ये भी उसके एक इल की इजहार है कि जो उसने ये कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ आदम अलैहिस्सलाम से कहा फिर फिर अल्लाह पाकि बार गाह में वो इल्म उसका यानी एक माना नारी इम का ये भी आप ले सकते हैं कि जो इम इंसान को नुकसान देता है इल्म में नाफ़े नहीं होता बेश इब्लीस के पास इल्म की कमी नहीं थी इल्म नाफे की कमी थी मतलब कि कमी आ, क्या था ही नहीं बिल्कुल पास था वो उसको इल्म अपने आप को फायदा ना दे सका इसलिए उस इल्म से तकबर आ गया साफ है वो क्या कहते हैं कि जब कोई चीज पास होगी नहीं तो उस चीज को संभाल के रखने का क्या तस्वर होगा देखिए समझदार इंसान बंदा वही होता है जो खजाने को संभाल के रखता है जिसका खजाना जाया हो जाए वो समझदार नहीं होता और इल्म सबसे बड़ा खजाना है वो इल्म जब उसका इस्तेमाल पॉजिटिव रहता है मुस्बित रहता है मुफीद रहता है और नाफे रहता है वो इल्म नूरी होता है लेकिन वही इल्म जब फसाद का शिकार हो जाए वही इल्म जब इंसान को इंसानियत से बाहर कर दे या उस इल्म को समझ कर वो इतना मुतकबर इतना मुतकबर और नकवत वाला बन जाए कि वो शरीयत का भी माजल्ला मजाक समझे शरीयत की बातों का भी मजाक समझे और ये समझ बैठे कि अब मेरी मर्जी है मैं जो मर्जी शरीयत के साथ अस्तफर करता रहूं फिर वो किसी का इत, ये भी ख्याल भी नहीं करता शख्सियात का ख्याल नहीं करता बड़ों का एहतराम नहीं करता नबी पाक सलम की सुनत मुतारा पर नहीं चलता अमल नहीं करता तो वो सारी बातें उससे इल्म होने के बावजूद इल्म तो है मगर उस इल्म ने नफ़ा नहीं दिया उसको अपने आप को भी नहीं दिया और दूसरों को भी नहीं दिया तो इसलिए वो नारी हो गई आग में जाना वो इल्म उसके लिए आग में जाने का सब बन गया और नूरी यह है कि वो नूरी इल्म ऐसा हुआ कि उस इल्म ने उसके रोशनी दी रोशनी ने हिदायत अता की हिदायत उसको मिली हिदायत पर वो चला वो हिदायत पर चलते चलते जब राह हिदायत पर आया और मजबूती के साथ चलता रहा तो वो मुहतदा बन गया अल्लाह ने हिदायत उसके पास ऐसी रखी कि दुनिया को उसे हिदायत मिलने लग गई तो इसलिए इल्म नूरी ही यही होता है और इस पर उलामा इक्रम ने हमेशा ये कहा और जितनी आपको पता है सनत में भी, भी आपकी सनत पर भी हमारी सन्नत पर भी आखिर में यही लिखा हुआ है ना कि ए बारेला ये जो इल इसने पढ़ा है अरबी जबान में वो इबारत है, भी है भी इसको ये इल्म फैलाते रहने वाला बना दे और इसके इल्म को इलमे बना दे उस इल्म का इसे अपने आप को भी फायदा हो और उसका दुनिया को भी फायदा हो तो ये है इल्म नूरी जो इंसान को नूर देता है जहरी नूर देता है बातनी नूर देता है कल्ब का नूर देता है इंसान की तमाम बातनी ताकतों को नूर से मुजयन कर देता है और फिर जिस बंदे को नूरी इल्म नसीब हो जाता है वो फिर ये नहीं कहता कि नूरी इलम वाले काट के महर की जरूरत उसको नहीं होती फिर वो खुद ब खुद ही काट हो जाती है उसके नजदीक वो काट आती ही नहीं है तो इसलिए ये बट साहब ने खैर अपने अंदाज में अच्छी बात की तो इससे कई उसके कई माना मजाजी माना भी मुराद हैं माना भी मुराद हैं नारी इल्म का नुमाइंदा शैतान है नूरी इल्म का नुमाइंदा जनाब हजरत आदम सलाम है और फिर आदम सलाम वा, की औलाद में अगर आप उस इल का कमाल देखें तो फिर वो हस्तियां हैं जिसका सरकार सल्लम ने फरमाया कि लोगों ने कहा आपके पास तो फरमा हाँ मैंने उसको मुसलमान कर दिया है मैंने उसके हमजाद के असर को भी खत्म कर दिया है तो गोया और फिर हजूर सरवर कायनाशरम की तो जाते पाक है वो इल्म नूरी जहां पहुंचता है और ये बहुत सारे लोग इस पर बात भी कि हजूर इल्म के अतबार से नूर भी लोग कहते हैं लेकिन हमारा कैदा यह है कि आप इमन भी नूर हैं और आप शक्ल अकलन जसदन जिसमन बदमन हर एतबार से नूर है अल्लाह ने आपको हार अतबार से नूरी नूर बनाया है और ये नूर की कैफियात अल्लाह तबारक वाली ने आपको अता फरमाई है आपकी अमली जिंदगी में नूर है आपकी तालीम में नूर है आपकी नस्बत में नूर है आपके ताल्लुक में नूर है आपकी इतबा में नूर है आपके फरमान को बजा लाने में नूर है तो ये इंसान के लिए एक नूर का सिलसिला है और उस नूर का बयान सरकार ने अपने तौर पर भी किया है और अपनी ऐत पाक के लिए भी किया है और उस लिए फरमाया है कि ज़ाबर रजी अल्ला ने, ने भी लिखा कि फिर अल्लाह तबारक तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया हाँ वजाल बिकुद की कुदरत के साथ वो नूर जहाँ सुशाला जहा जहां अल्लाह ने चा वह नूर घूमता रहा वह नूर सैर करता रहा कायनात की और वह नूर आका सवर कायनात का नूर पाकि जब्राई स्ल्लाम से पूछा और उम्र की बात की और आपने फरमाया कि वो जो जिसको तू ने अपनी जिंदगी में हर सत्तर हजार साल के बाद सितारा निकलता था और उसको बहत्तर हजार मरतबा तू ने देखा है जब्राइल वो नूरी सितारा में ही था तो गोया ये नूर की एक दुनिया नूर वाले की सारी कायना अब लोग ऐसे अंधे हैं कि नूर को नूर नहीं मानते तो वो पता नहीं अब उनका क्या बनेगा हम तो हिदायत की दुआई कर सकते हैं माशाल्लाह है। ये फ़ैज़ अदसा साहब का एक सवाल रह गया है वो मैंने पहले भी किया आपको मजार कहाँ है इंडिया में का शरीफ में का शरीफ में आपने माशाल्लाह मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है ये व्हाट्सएप ये का दूसरा सवाल था इलम और हिकमत में क्या फर्क है बिस्मिल्लाहिर ये तो आयत मुबारक से ज्यादा वाज़ह हो जाएगा कि जिस तरह रसालत मबली सलाम के बारे में रादूआल किताब वक्म व युज़ी है रब करीम ने आपको किताब का इलम फरमाया औरमत का इलम फरमाया औरमत के बारे में कई मुफसरन ने बहुत तफासिल के साथ लिखा लेकिन हकमत को मिनकुल्ली ज़ात आप देखें तोमत को इस लफ्स का मानी और मफहम जो ज़्यादा मैसर आता है वह तसव पे आता है किताब के इलम जिसम के ज़ाहिर के बनावट के साथ मुतालिक है और ये जो इल्म हिकमत है ये मुतरफ़ है क़लब के साथ और रूह के साथ और ये अक्सर मुफसरीन ने इसके बारे में लिखा और ये जो तसलसल होता है किसी ज़ात के अंदर इलम का और तसवफ़ का पा जाना और वो इतने ऊँचे सिफ़ात का हो जाता है कि वो फिर उसके ज़िंदगी के अंदर करामात शादर होते हैं इलमत के ऐसे मोती वो लुटाता है कि एक एक शख्स उसको अपने दामन में लेता है और वो समझता है कि मैंने दरिया को काबू कर लिया है ऐसे ही आप देखें अशरफ जहांगीर समनानी रहमत ला की सबसे बड़ी करामत जिसने यकीन मानिए शाहब जब मैं आज पढ़ रहा था तो मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो गई इलम के हवाले से भी वो नहीं है आमाल के हवाले से भी वो नहीं है वो अखलाक के हवाले से एक शख्स आता है और वो कहता है हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ मानने वाला हूँ और मैंने सुना फला जगह पर एक दूसरा शख्स वो बात कर रहा था आपके बारे में कि ये हजरत तो फला है हज़रत तो ये है हजरत तो वो है दो चार बातें कर दी तो आपने उसे इरशाद फरमाया आपने कहा बेटा खामोशी इख्तियार करो आपने इरशाद फरमाया मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ मैं प्यारे गौस का शहजादा हूँ इस मसनत पे मैं बैठा हूँ तो मसनती तबलीग इरशाद है मैं अपने जात को देखता हूँ तो मेरे गौ से आज़म मेरे गौ से आज़म का फैजान है अपने तरफ देखता हूँ तो मेरे अंदर इमामी खून है इमामी जाफर सादिक की खून है मेरे जिस्म के ऊपर जो कैफियत तारी है वो गौ से आज़म की है आपने इरशाद फरमाया इतने बड़े खानवादे से होके अब मैं बैठ जाऊं और उस शख्स के ऊपर गीबत के तबसेरे शुरू करूँ मैं बैठ जाऊँ और मैं उस शख्स के कैफियत के ऊपर उसके चाल चलन के ऊपर उसके लिबास के ऊपर मैं तबसे शुरू कर दूँ आपने फरमाया अगर रब्बुलमीन ने मुझे आली नसब बनाकर भेजा है हा 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 मेरे ऊपर ये जरूरी है कि मैं आली अखलाक बन जाऊं आपने फरमाया अगर उस शख्स को और यह हमारे तमामा सुन्नत ने कोयम फरमाया आपने फरमाया अगर उस शख्स ने दीन के खिलाफ बात की है उसूली दीन के खिलाफ बात की है उसके साथ बहस और मुबाहसा किया जा सकता है दलाइल पेश किए जा सकते हैं और अपने पूरे ताकत से उस शख्स को सीधे राह की तरफ लगाया जा सकता है लेकिन अगर उस शख्स ने मेरे ऊपर मेरे वालिद वालदा के ऊपर मेरे अहले खानदान के ऊपर मेरे नौकर चाकर के ऊपर मेरे मुरीद के ऊपर मेरे दोस्त और अहबा के ऊपर तबसरे किए हैं याद रखना आइंदा ऐसी बातों को मेरे सामने बयान न करना क्योंकि मेरा मसनद अगर रबालमीन ने तमाम लोगों से आला और अफजल किया है मेरा अखलाक भी उसी तरह का होना चाहिए आपने इर्शाद फरमाया कि जो जो शख्स रबालमीन के जिक्र के लिए मेरे सामने बात करता है रसूल आलम की याद के लिए बात करता है और दीन के समझने समझाने के लिए बात करता है आज के बाद उसको मेरे महफिल में आना चाहिए जो लोग दुनिया की बात करता है जिल्लत तो रसमाई की बात करता है गीबत झूठ बोलना चाहता है आपने इरशाद फरमाया उन लोगों को अशरफ जहांगीर समनानी के पास नहीं आना चाहिए। वाह वाह माशा नाजरीन आपने हज़रत जहांगीर अशरफ समनानी रहत ल हवाले से आज का प्रोग्राम फ्रेंड ज़ाफल्ला देखा नाजरीन आप एक बात नोट फरमाएं कि जिस वक्त आपको अमू सल्तनत दिए गए आप जिस वक़्त आपने हुकूमत संभाली आ, ने लिखा है कि आपके वालद माजद सुल्तान इब्राहिम रहमत ला तय का इंतकाल जब हुआ आपकी उम्र पंद्रह साल थी और पंद्रह साल की उम्र में आपके सर पे ताज रखा गया सल्तनत का और फिर आपने इतना ख़ूबसूरत तरीके से उसको निभाया कि इतनी काबिलियत से और फिर आपने ऐसे ऐसे जौहर दिखाए कि वो सल्तनत और उमराए दरबार दंग रह गए इतने ख़ूबसूरत तरीके से आपने उस हुकूमत के अमूर को चलाया एक बार आपकी बारगाह में एक फरियादी आया वो कहने लगा कि हजूर मैं रात को लुट गया हूँ मेरे पास चालीस अशरफियाँ थीं ये मेरे साथ सारे लोग साथ थे और वो अशरफियाँ मेरी कमर में बंधी हुई थी रात को सोया तो वो बंधी हुई थी ये सारे लोग भी वहीं सोए हुए थे सुबह उठा तो वो अशरफियाँ नहीं थीं आपने उन सारे काफ़िला वालों को बुलाया उनसे पूछा कि अशरफियां किसने ली हैं सारे के सारे मुनकर हो गए इनकार करने लगे मैं सदके और कुर्बान जाऊं अल्लाह के इस वली पर ऐसे हुक्मरान पर कि आपने एक एक बंदे के सीने पे हाथ रखा जैसे ही सीने पे हाथ रखते पता चल जाता और जिस वक़्त जिसने अशरफियां चुराई थी उसके सीने पे हाथ रखा उसे कहा खड़ा हो जा उसको खड़ा करके कहने लगे अशरफियां तेरे पास हैं और उसमें से तूने एक अशरफी खा भी ली है नाजरीन जरा ये आप इस बात का अंदाजा करें कहां वो हुक्मरान थे और कहां आज के हुक्मरान हैं आज हमारे हुक्मरानों का अभी कल की बात है कि उनके मुतलक आता है किस किसने कितनी चोरी की है आज सारा दिन टीवी पे चलता रहा कि किसने कितनी चोरी की है और इतने बड़े बड़े चोर खुद हैं लेकिन ऐसे हुक्मरान जब मुसलमानों में थे कि अगर किसी ने चोरी की एक अशरफी का माल खाया है उसके सीने पे हाथ रख के बता दिया तब मुसलमान भी हर जगह इज्जत वाले थे और इस्लाम फैलता जा रहा था और हर जगह जैसे ही मुसलमान के ऊपर नज़र पड़ती तो लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते थे नाजरीन अल्लाह करीम की बारगाह में यह दुआ है रब कायन हमारे हुक्मरानों को भी ए, सोच और समझ अता फ़रमाए और हमें इन अलिया के नक्श क़दम पर चलने की तोफी अता फ़रमाए और हमारे सब के हाल पर रहम फरमाए आज का प्रोग्राम ए, आपने देखा आ, अपने मेज़बान सैयद सजाद हुसैन बुखारी को प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए इन शाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी अलकुम व वक़ात